Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. Today we are going to discuss the paper of HP TET 2018. ये November 2018 वाला paper है. तो let's start. First question is the plant hormone that inhibits the growth of plant. तो इनमें से plant inhibitor जो है वो abscisic acid है, ठीक है, और इसको stress hormone भी बोलते हैं in case of plant. ये mostly जो है seed germination को सीड डॉर्मेंसी में ही काम करता है और सीड को डॉर्मेंट रखता है, मीन्स कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिजेंबल अ मल्बरी फ्रूट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरूला, और ये 16 सेल स्टेज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलोसाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजेनेसिस. ओजेनेसिस क्यों? क्योंकि पोलोसाइट्स जो है वो जो पोलर बॉडीज़ बनती है, जब हम ओजेनेसिस का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें जो है वो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, उन्हीं को हम पोलोसाइट्स बोलते हैं. एक वर्ड होता है पोडोसाइट, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवा जिसमें होता है. इम्प्लांटेशन होता है जब जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जब यूट्रस की वॉल में एम्बेंड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं. और आपका गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? पूरा जो प्रोसेस रहता है, पूरा जो बेबी की डेवलपमेंट होती है विद इन द मदर वूम, विद इन द यूट्रस, उसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं. सेकंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियॉरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज, तो एक तो वो हाइब्रिड वाइगर होता है, इसका ए और सी दोनों हो जाएगा, ये दोनों ही इसके लिए करेक्ट ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट, दिस बोन इज ऑल्सो नोन एज यस बोन, तो इसका आंसर हो जाएगा एटलस बी, जो कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, ठीक है. जब आप वर्टिब्रल कॉलम की क्रेनियल बोन का ये एक बोन है, ठीक है. मैंडिबल क्या है? हमारी जॉ बोन को बोलते हैं. एक्सिस भी हमारी वर्टिब्रल बोन है, और हाइयोइड एक ऐसी बोन है, देखो हाइयोइड से क्वेश्चन रहता है कि एक ओनली एक ऐसी बोन है हमारी बॉडी की जो किसी और अदर बोन से अटैच्ड नहीं होती है, ये जो है डायरेक्टली हमारे टंग की मसल्स से अटैच्ड होती है. ओके, नेक्स्ट, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना है. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये करेक्ट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोनेरा में क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं, और प्रोकैरियोट्स मतलब कैरियन मतलब होता है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रिमिटिव है, नहीं होगी वहाँ पे. नेक्स्ट, सम फंजाई आर एडिबल, तो ये भी करेक्ट है. प्रोटिस्ट आर यूनिसेल और यूकैरियोट, ये भी ठीक है. तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है. ब्रेड बनाने में इसका यूज़ होता है. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है क्लास +2 का, उसमें सारे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. लैक्टिक एसिड कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, सिट्रिक एसिड कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, वहाँ पे स्विस चीज़ वगैरह उसके बारे में सब कुछ है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट देखिए, सिनेप्सिस ऑकर्ड इन द स्टेज, तो आपको बता रहा है इसमें से, तो ये आपकी मियोसिस की जो प्रोफेज 1 की स्टेजेस रहती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्सिस का ऑप्शन नहीं सी. पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जाइगोटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेड पांडा का ये सिंबल होता है. टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो टी लिम्फोसाइट्स हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो कौन प्रोड्यूस करता है उनको? बोन मैरो में वो प्रोड्यूस्ड होती हैं, बोन मैरो के पार्ट्स में. नेक्स्ट, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, प्रोड्यूस कहाँ हो रही है? बोन मैरो में. थाइमस में चली जाती है वो मेच्योर होने के लिए, ठीक है. मेच्योरिटी कहाँ पे होती है उनकी? थाइमस में, ये भी ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉफिक लेवल कौन बनाता है? उसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लिंक्ड होते हैं फूड चेन में, वही बनाते हैं ना, उनकी पूरी जो ट्रॉफिक लेवल होता है, जैसे चेन चलती है वैसे ट्रॉफिक लेवल चलते हैं. नेक्स्ट, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो हाँ ये जो फिश वाला एक वीडियो आपको मिल जाएगा, लेट्स लर्न ऑल फॉल्स फिशेस, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि जैसे कटल फिश वगैरह, उनके फाइलम आपको पता होना चाहिए, उनके साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, और कॉमनली उनको क्या बोलते हैं, ये चीज़, ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी काफ़ी बार पेपर में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अब देखो ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, हमें कई बार 2 ही ऑप्शंस आते हैं, कई बार हमें 3 ही ऑप्शंस आते हैं। तो पहले वो ऑप्शंस मैच कर लो जो आपको आती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो आपको इसमें से अगर आपको जो पता होगा, मुझे जो लगता है कि बच्चों को जो कॉमनली पता होगा ये चीज़, फर्स्ट वाला आपको सबको पता होगा आई थिंक। और देखो डॉल्फिन का भी सबको पता ही होगा कि वो मैमल है। अब इनको देख लो ये किस ऑप्शन में, बी वाली ऑप्शन में मैच कर रहे हैं तो बस वही करेक्ट लगा दो। कई बार क्या होता है ये जो मैचिंग वाले होते हैं ना इसमें तुक्का चल पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, तुक्के काम नहीं आते हैं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। स्वीट पोटैटो क्या है, होमोलोगस है किसके, तो 73 का आपका हो जाएगा डी टर्पिन। नेक्स्ट इन पेरियंथ, अब पेरियंथ क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉमनली पेरियंथ को हम जो है ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलेंगे उसको, इन पेरियंथ क्या सिचुएशन होती है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नॉन डिस्टिंक्शन सेपलन पेटल्स, ठीक है। और इसमें इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टैपल्स बोल देते हैं, क्या टैपल, ये भी आपने वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन ऑफ सिम्टम इन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में कौन सा इसमें से सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, इसमें से बताना है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा नहीं होता है, तो इसका बिल्कुल कॉमन सा आंसर है राइबोसोम। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा आर कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया से 2 और क्वेश्चंस कॉमनली मैंने देखे हैं पेपर में। क्या चीज़, जब स्यूडोपोडिया बनते हैं आपको पता है अमीबा की शेप ऐसे इरेगुलर होती है, तो उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिससे वो क्या करता है अपना फूड मॉलिक्यूल अंदर ले लेता है अपनी बॉडी में, उसको इन ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और स्टूडेंट मैं बता दूँ, अगर ये जो फूड मटीरियल है ये अगर लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये अंदर लेगा, तो एक कॉमनली उसको हम सेल जो है ड्रिंकिंग बोलते हैं, और साइंटिफिक टर्म उसके लिए पिनोसाइटोसिस होती है। और अगर ये फूड मटेरियल सॉलिड होगा, ठीक है, सेकंड केस क्या है, अगर वो सॉलिड होगा तो हम उसको सेल ईटिंग बोलते हैं, और साइंटिफिकली उसको क्या बोलते हैं हम, फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज, तो फ्लूइड मीडियम क्या होता है आपको पता ही है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, तो प्लाज्मा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ शीन हैं, ठीक है, तो किससे वो बिलोंग करते हैं आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूकोसैंथिन इज फाउंड इन, तो देखो जो एलगी की आपकी आगे क्लासेस हैं, जो रेड डेलगी, ब्राउन, ब्रू, ग्रीन, सब आपको पता होना चाहिए कि किसको कॉमनली क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके फ्यूकोसैंथिन पूछा हुआ है, तो फ्यूकोसैंथिन का आपका हो जाएगा बी, जो कि आपकी ब्राउन एलगी है, ठीक है। रेड एलगी को क्या बोलते हैं, तो उसको हम फाइको इरिथ्रिन बोलते हैं, फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। और जो आपका ब्लू ग्रीन एलगी है उसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो मॉसेस को बोलते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट लाइकेंस हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, एल्गी और फंजाई में जो है इसके क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और लाइकन में जो एल्गल जो पार्टनर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं। और जो फंजाई वाला आपका पोर्शन होता है, मतलब जो फंगल पार्टनर होता है, उसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, और जो लाइकन्स होते हैं आपके, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं SO2 के लिए सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्जेस ओनली, सिर्फ स्पॉन्जेस में होते हैं भाई, और किसी में नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूमरस इनलेट्स होते हैं, न्यूमरस पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये भी आता है आपको, ऑस्टिया बोलते हैं उनको, जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा पोर्स इनकी बॉडी में होते हैं उनको ऑस्टिया बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हर्ट, तो आपको बताना है इसमें से किसका 3 चैम्बर्ड हर्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनएप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीगेट फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोटैक्सी रेफर्स एज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, तो लीव्स की किस तरीके की अरेंजमेंट होती है स्टेम के ऊपर, उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं. नीजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन. नेक्स्ट सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव, किस तरीके की अरेंजमेंट होती है, 9+2 की अरेंजमेंट रहती है. मोनोसेकेराइड्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय, तो अभी हमने रिसेंटली बायोमोलिक्यूल सीरीज कंप्लीट की है तो उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं. तो उसमें क्या बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. लिंकेज डिफरेंट रहती है सभी, जब हम जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड वगैरह पढ़ते हैं 1-4 होती है कि 1-6, वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी. ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर इज 0. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपने +1 क्लास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर जरूर पढ़ के जाना है. वैसे सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, 1 by 1 हम टॉप NCERT क्वेश्चन कर ही रहे हैं, उसमें मैं करवा ही दूंगी. जब अपकमिंग आपका टेट होगा वहाँ तक मैं कंप्लीट करवा दूंगी. अभी हमने 5-7 चैप्टर उसमें किए हैं, 1 by 1 कर रहे हैं धीरे धीरे. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट वहाँ पे हैं, उनके फंक्शंस हैं, वो सारे आपको लर्न होने चाहिए. तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, कॉपर. नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, S फेज ऑफ सेल साइकिल जो कि इंटरफेज का पार्ट है. नेक्स्ट, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो RQ वैल्यूज़ है वो आपको कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं उनकी ध्यान में रखनी है. इसका कार्बोहाइड्रेट का 1 रहता है, ठीक है. अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज का भी 1 रहता है, नोट कर लो. फैट्स का 0.7 रहता है, फैट्स का 0.7, और प्रोटीन्स का जो है 0.8 to 0.9 रहता है आपका. ये आपको कॉमन से हैं जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट यील्ड ऑफ ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 ATP, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसका आंसर हो जाएगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, एक्रोमेगाली इज ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस, ठीक है. अगर एडोलेसेंस में, ठीक है, आफ्टर एडोलेसेंस ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो वो टर्म क्या हो जाएगी, एक्रोमेगैली. और अगर चिल्ड्रन में जो है ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं जिंजाटिज्म, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विद नो फर्टिलाइजेशन ऑफ, क्या है ये क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, येस. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन इनमें से किसकी जो कैपेसिटी है, तो यहाँ पे हनी बी हो जाएगा, जो वर्कर हनी बीज होते हैं, ओके. नेक्स्ट, फिलीफॉर्म अपरेटस ऑकर्स इन, तो फिलीफॉर्म अपरेटस भाई किस में होते हैं, सिनर्जिड्स में होते हैं. इसमें आपको ये क्वेश्चन कहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से हैं, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए. सिनर्जिड्स हैं, चाहे आपके एंटीपोडल सेल है, एग सेल है, कौन सा हैप्लॉइड होता है, कौन सा डिप्लॉइड होता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से रहते हैं. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सी चीज़ें होती है, चलाजल एंड की तरफ कौन सी चीज़ें होती है. और एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो पोलन ट्यूब है वो कौन से पार्ट से एंटर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे पोरोगैमी है, उसमें मीजोगैमी है, चेलेजोगैमी है, ये सारे क्वेश्चन भी वहाँ से रहते हैं. मैं बायो बूस्टर सीरीज में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए. चलिए, द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस. और अगर क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन और अगर कोई भी पेरेंट हो, चाहे वो रिसेसिव है चाहे डोमिनेंट है, तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एट कोडोन, तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो टर्मिनेटर कोडोन है यहाँ पे वो पता होने चाहिए, टर्मिनेटर कोडोन का नॉलेज होना चाहिए. तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, UAA. इसमें मैं टर्मिनेटर कोडोन आपको बता देती हूँ, UAA, UAG एंड UGA, जो मैंने लास्ट जो क्वेश्चन पेपर आपको करवाया है 2016 पेपर 2, उसमें मैंने इनके अदर नेम अंबर, ओकार एंड ओपाल ये भी बताए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए, जनरेटिव सेल ऑफ, किसका, जो पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल होता है. उसमें 2 सेल्स होती है ना, एक जनरेटिव सेल्स होती है और एक उसमें वेजिटेटिव सेल होती है. अ बेबी हैज़ बीन बॉर्न विद स्मॉल टेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एटाविज्म बोलते हैं. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वही चेंज हो जाती है, जिससे लार्वा से अडल्ट बन जाता है, उस तरीके का, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो इसमें से सेंट्रियोल जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो पूछी हुई है, फिनोटिपिक, तो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड जो रेशो होती है वो 3:1 होती है, ये डाई हाइब्रिड के लिए है, और ये जो ये वाली है ये जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो है। नेक्स्ट, फाइलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए, पिटियोल की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेस सीक्वेंस दिया, बेस सीक्वेंस आपको डीएनए का दिया है, इसका कॉन्ट्रास्टिंग आपको बताना है, तो इसका अपोजिट आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, लास्ट ही क्वेश्चन जो किया हमने 16 वाला उसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेज, तो सी ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम, इसमें से कौन सा सही होगा, तो टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन डी, ठीक है। एक्स नॉट कंडीशन आती है, स्टेराइल फीमेल हो जाती है, और ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या, फर्टाइल फीमेल होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ये किस में आती है, मेल में आती है, और ये नॉन डिस्जंक्शन की वजह से आती है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो है आपका सुपर मेल, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। नेक्स्ट देखिए, जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड आर फाउंड इन काउ मिल्क, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो मिल्क प्रोटीन किसको बोलते हैं, ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है तो सॉल्व हो जाएगा। केजिन और लैक्टोज उसमें प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बर्ड। और हरविंद खुराना का नाम भी आपने याद रखना है, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन की डिस्कवरी की है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए स्टैमिनोड। स्टैमिनेट क्या होता है, जब जो है स्टेमन तो है पर पिस्टिल नहीं है, ठीक है, फ्लावर के पास, और ये जो स्टैमिनोड कंडीशन होती है इसमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। सिनेंड्रस क्या होता है, जब स्टेमन फ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कल्टीवेटेड प्लांट्स आर, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा एलोप्लॉइड्स, ठीक है। जिन आर्बर विटे इज अ पार्ट ऑफ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेरेबेलम, ठीक है, और सेरेबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी और हम मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और ये जो आर्बर विटे है इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कॉमनली बोलते हैं। सेरेब्रम की बात करें तो बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया है टर्मिनेटर कोडोन्स का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनिशिएशन और टर्मिनेटर कोडोन तो आपको रटे होने चाहिए। रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लोरल बर्ड इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या पूछा है, स्टेमन्स का रिमूवल करना है हमें, तो इसको हम इमस्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अ डिप्लोजोम इज, तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम डिप्लोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग, तो प्लाज्मिड इसका आंसर हो जाएगा। हम ये चीज़ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल प्रोसेस पढ़ते हैं। डेविल फिश, देखो यहाँ पे दो बार क्वेश्चन आ गया है जो आपकी फाल्स फिशेस हैं, तो डेविल फिश किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को बोलते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन्स, इन ह्यूमन्स नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व्स का नंबर रहता है 31 पेयर्स में 62 टोटल नंबर, और आपका जो 24 नंबर होता है और 12 पेयर होता है जो ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स आर प्रोटेक्टेड एट, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन थे 2018 का पेपर विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब जो ये सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर की वो मैं आपको जो अभी तक की लेटेस्ट पेपर है वहाँ तक प्रोवाइड कर दूँगी। पेपर की जब कंप्लीशन हो जाएगी साथ में बायो बूस्टर सीरीज़ चलता रहेगा, जो जैसे उसकी छोटी सी वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगी, जैसे एक दिन ये डाल दिया, दूसरे दिन बायो बूस्टर सीरीज़। तो पेपर की सीरीज़ ख़त्म करने के बाद जो है वो मैं 2021 का जो आपका टेट होगा जो अभी जून या जुलाई में होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, आपको पूरी सीरीज़ आएगी, उसके अलग से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी।